बहुत भारी पड़ सके तने। हल्का भारी तो दुर्गेश्वरी ने कभी सोचा ही ना है हुकुम। आप अपने बारे में ही सोचिए, यही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपने जो किया है ना, उसी को भरने में आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। आज ये सब कुछ तेरे कारण हुआ है, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तू है। ये प्रगति कहाँ है? माँ साहब, प्रगति बस आ ही रही होगी, वो रास्ते में ही है, वो माँ के साथ धुराव जी गई थी। ठीक है, गाड़ी में बैठे हुकुम। आपके पैर थक गए होंगे पैदल चलते चलते। थाने चलते हैं, आपकी सिकाई कर दूं थोड़ी। क्या हो रही है? बहुत होगी नौटंकी, चलो रे। अब तो पर्दा गिरने का वक्त आ गया। क्यों कम? बिठा रहे इसको गाड़ी में। मामा भौकाल की जय। भाई, ये सन्नाटे की आवाज सुन रहे हो कि नहीं? हाँ भाई जी, बनवारी के परिवार की चीख पुकार तो मैंने अभी से सुनाई देने लगी है। बनवारी अपनी छोरी को लेकर कहीं भी छिप जाए, मैं छोटे हुकुम आते पूरे परिवार की कहानी खत्म कर देंगे। प्रगति, तुम्हें इस तरह दुलाराम नहीं आना चाहिए था बेटा। पिछली बार भी तो रणबीर की कार की डिक्की में बैठकर आ गई थी। तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हें अकेला देखकर ये लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं। दादी सा, लेकिन एक बात और, अगर मैंने मरना ही होता तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। इन लोगों ने न जाने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं हर बार बच गई। और इससे मेरी ये सीख मिली कि जो मरने मारने का खेल सिर्फ किस्मत के हाथ में होवे। अगर किस्मत ने मरना लिखा है तो मैं चाहे जितना भाग लूं, कहीं भी छुप जाऊं, कितना भी जतन कर लूं, लेकिन मैं बच नहीं पाऊंगी। और अगर मुझे नहीं मरना है तो जो सरपंच और गजोधर क्या, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। तो फिर से मौत से डर डर के क्या जीना? अगर मौत को आना है तो वो जरूर आवेगी, किसी के रुकने से रुकने वाली नहीं है वो। अरे बाप प्रगति, तुम तो बड़ी अच्छी बातें करती हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तुमने? हमारी टीचर जी की कहानियों से। हमारी टीचर जी दुनिया की सबसे साहसी और ज्ञानी टीचर जी है। हमारी टीचर जी मैंने एक से एक बड़ी बातें बतावे। अच्छा ये बताओ प्रगति, तुम बड़े होके बनना क्या चाहती हो? मैं प्रगति बनना चाहती हूँ।
ये देख रही है, अरे पढ़ाई करने की जिद की वजह से अरे बापू साह को अपनी पगड़ी सरपंच साह के पैरों में रखनी पड़ी। और देख मारा छोरा अपनी इज्जत बचाने की खातर आज उसी पगड़ी से फांसी लगा के अपनी जान देने जा रहा था वो। प्रगति, तुमसे कोई सवाल पूछा है बेटा? मैंने भूल गई दादी सा, इस सवाल को मैं कैसे भूल सकूं? मैं इस सवाल को कभी भी ना भूल सकूं, क्योंकि इस सवाल ने तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल दी। क्यों, क्या हुआ? जब मैं धुलाराम में स्कूल जाती थी तब हमारी टीचर जी ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। टीचर जी, मैं प्रगति बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहती है कि इंसान की खुद की पहचान होनी चाहिए, इसीलिए मैं प्रगति के रूप में अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। तो मैंने यही जवाब दिया था कि मैं प्रगति हूँ और प्रगति के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ, और इसी बात पे मारा और वीर का झगड़ा हो गया। बढ़िया ही लाट साहब जैसे भाषण जानने वाली। तेरा बाप हमारे खेतों पे नौकरी करता है, हल चलाता है, और बेटी चलिए पहचान बनाने, प्रगति बनेगी। तूने हमारी किताबों को लात मारी? अभी तो लात मारी है, अब देख क्या करता हूँ। और सरपंच ने हमारी पढ़ाई भी रुकवा दी, और तभी से हमारे घर पर जैसे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। कौन है ये वीर? सरपंच का इकलौता छोरा है वीर, बहुत दुष्ट है वो, एकदम एकदम अपने बापू सा की तरह बहुत अभिमानी है। बनवारी और जानकी, मजाल देखी थारी छोरी की? अरे 2 मिनट फोन पे बात करने को भेजा था और थारी छोरी पहुंच गई सीधे धुला रहा हूं, और वो भी अरुणा जी की फौज की सेनापति बनने। ये छोरी खुद तो मरेगी, सबको ले डूबेगी साथ। क्या हो गया मासा, खुल के बताओ ने। अब के बताऊं के होयो, मारे से ना पूछ। थारी छोरी घर आ जावेगी तो 2 थप्पड़ मार के पूछना कि कहां थी, के कर रही थी। कहीं करना छोड़ेगी जीजू। मासा, मारी लाडो को कुछ हुआ तो नहीं? अरे उसे के होवेगा, हम सब ने ले डूबेगी तब होगा थारी छोरी ने कुछ। हम सब जहां पर हुकुम साह के सामने समर्पण करने को तैयार हैं, और थारी छोरी पहुंच गई, गजोधर ने गिरफ्तार करवा लिया। आग से खेले थारी छोरी, आग से। बात कह रही हो दादी सा, अगर हम धुलाराव सरपंच और गजोधर के सामने समर्पण करने जाएंगे तो वो हमारी गर्दन ही रेत डालेगा। गर्दन तो वो जहां आके भी काट सके। देखो हम सब की भलाई इसी में है कि जाके हाथ जोड़ के पैरों में गिर के माफी मांग ले तो हो सके है वो माफ करते हैं, पर ऐसे ही अगर अकड़ के खड़े रहे तो कुछ ना होने वाला। वो दिन दूर ना है जब रणवीर और करण के कलेजे को भी उनकी गोली छेद देवे। हमें ना लेना लोगों की हत्या का पाप अपने सर, इसलिए
हम सब की भलाई इसी में है कि चले चल के माफी मांग ले वे। नहीं दादी साहब, अगर हम जाकर सरपंच से हार मान लेंगे तो उसे सरपंच हमारी कमजोरी समझेगा, वो हमें हमेशा परेशान करेगा जो ठीक ना होगा। ओ दुर्गेश्वरी चटाला, करने चली तू कौन सा घोटाला? घड़ी गम्मा छोटे हुकुम। घड़ी गम्मा कैसी तू? बस हुकुम, सब आपकी मेहरबानी। और बताइए कैसा लग रहा है दिन के उजाले में एक शेर पिंजरे के पीछे? ऐसे लगे जैसे कोई किसी दूसरे के घर मिलने आता है, आराम पसंद आई। थारे को याद है हुकुम, उस दिन जब मैं रात को थारे हवेली पर आई थी, के कहा था आपने? हाँ, इतनी रात को क्यों आई है? महाराज जवाब तो आपको याद ही होगा हुकुम। तो छोटे हुकुम, शेर ने अपना शिकार आधी रात में ही करे है। अंधेरी रातों में, सुनसान राहों में। मने तो सब याद है चटाला, लेकिन थारी जो याददाश्त है ना, वो बड़ी कमजोर है। क्योंकि यो बात मन्ने नहीं, मारे भाई साने के ही समझी ना। और तूने क्या किया? तने याद है भाई साने कहा था कि अगर गीदड़ शेर की टी शर्ट पहन ले तो वो शेर ना हो जावे, गीदड़ का गीदड़ ही रहे। शेर के प्रिंट वाली टी शर्ट पहनने से गीदड़ नहीं शेर नहीं बन जाती, और तूने साबित कर दिया कि तो कोई शेर नहीं वेर नहीं ना है, गीदड़ है। क्योंकि दिन दहाड़े तू मने पकड़ के यहाँ ले आई मारी खुद की मांद में। क्या खूब कहा छोटे हुकुम आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं वो शेर नहीं हूँ छोटे हुकुम, जो रात के अंधेरे में जब सब सो जावे एकदम सुनसान अपना शिकार करे। पर देखिए ना हुकुम आज क्या हुआ। दिन दहाड़े शेरनी ने शेर की मान में घुस के उसके हलक से मांस का लोथड़ा निकाल दिया। और शेर अपनी शेर की टी शर्ट पहने गीदड़ की तरह शेरनी को सिर्फ ताकता ही रह गया। क्यों छोटे हुकुम? घड़ी गम्मा छोटे हुकुम। अम्मा घड़ी, अब इतनी बात की तो चाय बोल देना जरा। छोटे हुकुम, चीनी कम या ज्यादा? जो तू खुद बनाएगी वो तो बिना चीनी के भी चलेगी। चटाला, तने नहीं पता कि हमारा हाजमा कितना मजबूत है, समझी ना। दुनिया भर की कबाड़ खा के भी पचा लेता हूं मैं, लेकिन तने एक बात बताऊं, लेकिन मारे और मारे भाई सा का लिया हुआ पैसा आज तक किसी को नहीं पहुंचा। तो तू अपना इलाज पहले से किसी डॉक्टर से करवा ले। अरे छोटे हुकुम, भूल गए छोटे हुकुम कि हमारा नाम थानेदार दुर्गेश्वरी चोटाला है, जो बड़े बड़े घोटाले करे हैं। तो फिर आप लोगों का ये दो नंबर का पैसा
ऐसे चुटकी बजा के हजम कर दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो छोटे हुकुम, आपकी शादी का कार्ड ना है। वो तो मैंने भी पता है। इसमें जे लिखा है कि आपने रणबीर पर जानलेवा हमला करा हा? और तो और नकली जमानत के कागजात बनवाए। अब इस शादी के कार्ड में जो छपा है उसकी सजा बहुत लंबी भोगने वाले हो छोटे हुकुम। इससे डरा रही क्या मैंने? हाँ, चार्जशीट से। तने पता है हमारे नाम की आज तक जितनी चार्जशीट बनी है ना, अगर सारों को इकट्ठा करेगी तो बड़े बड़े ग्रंथों के पन्ने कम पड़ जाएंगे और पढ़ते पढ़ते थारी उम्र निकल जाएगी। एक बात कहूं छोटे हुकुम थारे को, आप जो ये इतनी बड़ी बड़ी हाको हो ना, इतनी बड़ी, हाँ बिल्कुल ठीक, जो ये इतनी बड़ी बड़ी हाको हो ना, थारी सोगन छोटे हुकुम। तू ज्योतिष में विश्वास करे, जाके किसी पंडित को दिखा, थारा राहु भारी हो रहा है। बस छोटे हुकुम, वो क्या है कि ज्यादा बोलने की तुम्हारी आदत है नहीं, वरना थारी और मारी बहुत लंबी कटने वाली है। वेट एंड वॉच। घड़ी कम्मा छोटे हुकुम। अम्मा घड़ी, अब इतनी बात की तो चाय बोल देना जरा। छोटे हुकुम, चीनी कम या ज्यादा? जी तू खुद बनाएगी तो बिना चीनी के भी चलेगी। एक बात समझ नहीं आ रही है। अरे बड़ी सिफारिश कर करके लेकर आए इसको। हाँ छोटे हुकुम, थानेदार दुर्गेश्वरी चोटाला नाम है हमारा। भाई साहब ने तो कहा था कि इसे खास तरीके से यहाँ बुलवाया गया है, दुनिया भर की पहचान वहचान और काफी खर्चा करके हमारे लोगों के घर से इतने पैसे भी ले गई, लेकिन जो इसका व्यवहार था ना वो मैंने थोड़ा ठीक ना लगा। हल्का भारी तो दुर्गेश्वरी ने कभी सोचा ही ना है हुकुम, जो होगा देखा जाए। अगर आज रात का जो दर तू इस हवालात में रह गया तो थारी जिंदगी का सबसे काला दिन होगा यो, क्योंकि आज तक तूने हवालात के अंदर अपनी रात न गुजारी। हे भगवान, आज यो नाटक होना हो, काम भी कौन हो, चाकर साहब बटे मारे ऊपर बंदूक ताने ला और ये गाड़ी भी पेट्रोल पी रही है। भाई साहब विधायक को फोन कीजिए। अरे किए थे? अरे विदेश यात्रा पे गया हुआ है, यही तो जब किसी की जरूरत होती है तभी ना मिले, वो तभी ना मिले। चाचा अंतर जा, चा परेशान मत। से बात पहुंचा दूर
तू। आज पहली बार तुम अपनी इस बड़ी सी हवेली में डरे हुए खड़े हो। अब तुम्हारे किए गए तुम्हारे पुराने पाप तुम्हें डराएंगे। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या करूं मैं, मार तो समझ में नहीं आ रहा है। छोटे हुकुम, यू आर अंडर अरेस्ट। वो वकील गया तो गया कहां, उसका मिलना तो बहुत जरूरी है। अरे लल्ला के जमानत के पेपर उसके पास है, वकील गया कहां। अरे जमीन खो गई और सामान निकल गया भाई, पता नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, ढूंढ के निकालूंगा मैं उस वकील को। भाई साहब, वो वकील का कुछ पता चला? तो परेशान मत हो, परेशान मत हो। लल्ला का भाई साहब भी जिंदा है, सुना तो। लल्ला का भाई साहब अभी भी जिंदा है। बचपन से पाला उसे, उसे कुछ हो गया ना तो आग लगा दूं पूरे दुनिया में। तो तू परेशान मत हो बींदनी, परेशानी मारी है, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। भाई साहब, विधायक को फोन कीजिए। अरे किए गए, अरे विदेश यात्रा पे गया हुआ है, यही तो। जब किसी की जरूरत होती है तभी ना मिले वो, तभी ना मिले। जा जा अंदर जा, जा परेशान मत हो। लल्ला का भाई साहब भी जिंदा है, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ निकालेगा। रघु हटिया, हमारी बात ना बहुत ध्यान से सुन। उस वकील का मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अरे लल्ला के जमानत के पेपर है उसके पास। आखिरी फोन मारे को आया था जयपुर से। अरे राजस्थान का चप्पा चप्पा छान मार, पर मारे को वो वकील चाहिए। आई बात समझ? हुकुम अंदाता। चल निकल। जो हुकुम। लल्ला का भाई साहब अभी भी जिंदा है, कुछ ना होने दूंगा मैं लल्ला को। आग लगा दूंगा दुनिया में, चल लल्ला को कुछ हुआ तो आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। अच्छे लोग कमजोर हुए हैं, और जब तक मैं उस रणबीर और अरुणा को मार ना देता, मारा बदला पूरा नहीं होगा। अरे शुभ शुभ बोल, लल्ला का बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और वो बाहर निकल कर रहेगा, उसका भाई साहब भी चिंता है। आई बात सारे समझ? उल्टा जवाब दे भैया। मासा, मासा प्रगति उल्टा नहीं सीधा जवाब दे रही है। गजोदर को जेल होनी जरूरी थी,